जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय यानी कि रणबीर कपूर संजय दत्त की बायोपिक संजू में नजर आने वाले हैं, और अब वही खबर आ रही है कि रणबीर कपूर बॉलीवुड के सिंघम यानी कि अजय देवगन के साथ पूरे 8 साल बाद दोबारा से बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, फिल्म संजू के बाद रणबीर कपूर लव रंजन की फिल्म में अजय देवगन के साथ नजर आने वाले हैं। बता दें, दोनों कलाकार रणबीर कपूर और अजय देवगन एक दूसरे के साथ काम करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। और हाल ही में जब अजय देवगन से रणबीर के बारे में पूछा गया तो अजय ने कहा कि रणबीर कपूर काफी अच्छे एक्टर हैं और वो हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। वहीं रणबीर कपूर भी फिल्म से जुड़कर काफी ज्यादा खुश हैं और फिल्म के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, एक बार फिर अजय देवगन के साथ काम करने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। जानकारी के लिए बता दें, आखिरी बार रणबीर कपूर और अजय देवगन फिल्म राजनीति में नजर आए थे, वहीं अब लव रंजन की फिल्म में ये दोनों एक दूसरे के सौतेले भाई का किरदार निभाएंगे और इस फिल्म की शूटिंग 2019 में शुरू भी हो जाएगी। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से सुगंध आनंद की रिपोर्ट। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।